हम लोग लाइव इंटरव्यू भी कराएंगे एग्जाम सेंटर से, ठीक है। हाँ, फॉरेस्ट की भी क्लास आपकी यही है समझे, क्योंकि इसमें भी एमपीजी के आना है, जीके इसमें भी आना है, तो कोई अलग से नहीं पूछा जाता उसमें, तो जीके हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। राधे राधे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। इसमें दुल्हा देव मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है? उज्जैन, उमरिया, छतरपुर या खंडवा? तो यहाँ पे सबको पता है कि दुल्हा देव मंदिर कहाँ पे आता है। दुल्हा देव मंदिर जो आएगा आपका छतरपुर में आता है। कहाँ पे आएगा? छतरपुर में। और लोग आंसर करें जल्दी से और क्लास को शेयर करें, 100+ संख्या से क्लास की आज, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर करें फटाफट जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छतरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छतरपुर में और कौन से मंदिर के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पे आता है आपका। 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका 52 मंदिर यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर पारसनाथ मंदिर यहाँ पे आता है, पारसनाथ, शांतिनाथ, ठीक है, जितने भी नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, ठीक है, ये यहीं पे आएगा। घंटाई मंदिर यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। नंदी मंदिर यहीं पे आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। ये सभी आपके कहाँ पे आएंगे? आपके छतरपुर में ही आ जाते हैं आपके। और एक बहुत पूछा जाता है मतगेश्वर मंदिर, मतगेश्वर मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये सब कहाँ पे आते हैं? छतरपुर में आएंगे। बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होते चले, ठीक है। हाँ, करंट भी क्वेश्चन है सतीश जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, धैर्य बना के रखना। डेली की क्लास में करंट अफेयर भी रख रहा हूँ, एमपी करंट अफेयर भी रख रहा हूँ, एमपीजी हर सब्जेक्ट इसमें है, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट यानी हर चीज रहेगा। पटवारी के पैटर्न के हिसाब से ही पूरा यहाँ पे रखा हूँ क्वेश्चन में, पूरा पटवारी के पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्लास को आप लोग शेयर करें पहले, आज सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जिससे संख्या हम लोग को यहाँ पे मिल जाए, कम से कम 150+ चाहिए संख्या। कल 100 तक पहुंच गए थे हम लोग, है ना। आज का टारगेट है 150+, 150+ आज का टारगेट रहेगा। अंतिम दिन है और संख्या पर्याप्त होनी चाहिए आज की। एमपी का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? गुड इवनिंग दीप्ति। हाँ, तो बताएं जल्दी से, एमपी का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को टच करता है? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू विवेक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो ये जो आएगा आपका पूरब में एक आता है, ठीक है, एक कहाँ आएगा? दक्षिण में आएगा। तो पहले आंसर कर लो, फिर बताते हैं यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन और भी आपसे बन पाएंगे। तो फटाफट बताएं जल्दी से, आंसर करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैंक यू सो मच। सभी लोग स्टेटस लगा लें फटाफट, स्टेटस सभी लोग लगा लें, संख्या यहाँ पे 100+ करिए सभी लोग मिलके। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बालाघाट हो जाएगा। और बालाघाट सही आंसर कैसे होगा? तो ये देखिए, ये आपका एमपी का मैप है और एमपी में बालाघाट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे बालाघाट आ रहा है। बालाघाट कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है, ये आपका बालाघाट है। और यहाँ पे कौन सा आएगा? सीजी आ रहा है। और इधर कौन सा आएगा आपका राष्ट्र? महाराष्ट्र आएगा। कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र आएगा। तो दोनों की सीमा को टच करता है बालाघाट, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मंदिर किले महल किला अब अभी पढ़ाए हैं, सब कुछ आएगा शिवांग जी, मैं बताया। पेशेंस रखो थोड़ा सा, पहले क्लास होने तो दो पहले। इसमें जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आप लॉक चाहते हो, पूरा पटवारी सिलेबस के हिसाब से है, थोड़ा सा वेट करिए आप। हर एक चीज है इस एफएलटी में, इस मॉक टेस्ट में, ठीक है, थोड़ा सा शांति बना के रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीटें कितने आरक्षित की गई हैं? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा सीटें में आरक्षित सीटें कितनी हैं? थैंक यू सो मच मिथुन जी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे किसकी बात कर रही है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात की जा रही है। और एसटी की सीटें कितनी होंगी? 47। एसटी की सीटें कितनी है? 47 है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विधानसभा में एसटी की सीटें 47 है और एससी की सीटें कितनी है? 35 है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 230 है। वहीं पे लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? तो 29 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें एसटी के लिए कितनी है, तो एसटी के लिए ध्यान रखिएगा 6 सीटें हैं, और एससी के लिए कितनी है? 4 सीटें हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड, अच्छा आप पवन हैं, तो
तो सभी लोग धैर्य बनाकर रखें, हर एक चीज अवेलेबल है इस मॉक टेस्ट में, जो आप लोग डिमांड करते हो, जो सिलेबस है पूरा एमपी पटवारी का उसी के हिसाब से पूरा करा रहा हूं मैं। और बेस्ट टेस्ट सीरीज यहां पे रखा हुआ हूं, तो आप लोग को पता चली जाएगा थोड़ी देर में। मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति कायथा की खोज किसके द्वारा किया गया बताइए? जी आर शर्मा के द्वारा, एस के श्रीवास्तव के द्वारा, वी एस वाकणकर, एम पी खत्री। तो किसके द्वारा जो है आपका कायथा की खोज की गई थी, यह आपको बताना है फटाफट तरीके से, बताएं जल्दी से। कायथा की खोज किसके द्वारा की गई थी? 66 अभी यहाँ पे संख्या दिख रही है, इसको संख्या करिए आप लोग फटाफट जल्दी से। पहले 100 प्लस करिए, 100 प्लस कर दोगे तो 150 ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। सभी लोग क्लास को सही करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दो पर्यटन स्थल है, एक है आपका वी एस वाकणकर, इसका सही आंसर होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कायथा की भी खोज की थी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भीमबेटका की भी खोज की थी। तो दोनों की खोज जो है यहाँ पे वी एस वाकणकर महोदय ने किया था। और ये कहाँ पे आता है, तो कायथा कहाँ पे आएगा, उज्जैन में। कायथा कहाँ पे आता है आपका, उज्जैन में आता है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। देखो अब मैं इससे फास्ट तो नहीं चल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि जिससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कर लोगे। तो धैर्य बना कर रखिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, जिससे हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते चले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ते चले, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा मानसिंह तोमर के ग्वालियर में शासन का उल्लेख जो मिलता है किसमें मिलता है? रोहितेश्वरगढ़ शिलालेख में, बटियागढ़ अभिलेख में, प्रतापगढ़ शिलालेख में, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा मानसिंह तोमर का ग्वालियर में जो शासन का उल्लेख है ये किस अभिलेख में मिलता है, इसको बताएं जल्दी से फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए इनका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है हमें रोहितागेश्वर अभिलेख में मिलता है ना, ये ग्वालियर में ही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये कहाँ के शासक थे, ग्वालियर के शासक थे, लिखा हुआ है तोमर वंश के शासक थे। इनका जो प्रेम कहानी, अच्छा वेरी गुड, आप गए हैं वहां पे, इनकी प्रेम कहानी जो प्रचलित है मृगनयनी और मानसिंह की प्रेम कहानी काफी फेमस है यहाँ पे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, मान मंदिर गुजरी महल, ठीक है, मान मंदिर गुजरी महल, ये दोनों का जो निर्माण कराया था किसने कराया था, मानसिंह ने ही कराया हुआ था, ठीक है, इन्हीं के लिए, मृगनयनी के लिए ही कराया गया था ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बटियागढ़ नहीं होगा, रोहितेश्वर गढ़ अभिलेख होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई झातला में, वेरसिया में, कस्तूरबा में, भैंसादेही में। तो भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ए एस पाटिल, संगीता, सभी का स्वागत है क्लास में, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना दो तीन दिन पहले ही मैं आपको बताया हूँ, ये किया गया है झातला में। कहाँ पे किया गया है? झातला प्रथम ग्राम न्यायालय एमपी का है, जो कहाँ पे आता है, नीमच में आता है। इसके अलावा एल्कोलाइट फैक्ट्री सबको पता है, एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पे आता है, नीमच में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जीरन का किला, अठाना राजमहल, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे नीमच में, तो और ध्यान रखिएगा इसमें आपका किलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पे आएगा, ये भी आ जाएगा आपका नीमच में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा कब प्रदान किया गया, 2015 में, 16 में, 17 में, 2018 में? तो नर्मदा नदी को यहाँ पे जीवित नदी का दर्जा कब प्रदान किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से। जय हिंद पंडित सुंदरम पांडे जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवित नदी का जो दर्जा मिला गया है ये नर्मदा नदी को 2017 में मिला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सबको पता है एमपी में सबसे बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा है। टोटल 1077 किलोमीटर लंबी है एमपी में, टोटल 1312 किलोमीटर है पूरे देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस नदी पे स्थापित की गई है? तो कहाँ पे स्थापित की गई है बताएं, इसमें चोरल में, हथनी नदी पे, सुप्ता नदी पे, या वारना नदी पे? तो चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है ये बताएं जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत शानदार आप लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी 76 यहाँ पे चल रहे हैं लाइव। हम लोग का टारगेट है अभी 100 प्लस करने का, 100 प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे और अधिक ही बढ़ेगी संख्या भी है, ठीक है। अच्छा आपका पूर्व जन्म है, क्या बात है। हाँ ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2017 ही सही आंसर उसका।
चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो ये हथनी नदी पर स्थापित किया गया है। इसे जोबट नदी भी हम कहते हैं, जोबट या हथनी नदी। और ये धार या धार के कुखी तहसील में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनोज कुमार जी स्वागत है आपका क्लास में। अगला क्वेश्चन, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल बिहारी का मेला, राम राम सारिका जी। तो यहाँ पे जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है बताएं? छतरपुर में, बैतूल में, होशंगाबाद में या खंडवा में? जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? गुड इवनिंग सालनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल बिहारी का मेला जो लगता है ये लगता है छतरपुर में। कहाँ लगता है आपका? छतरपुर में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? उर्मिल नदी के किनारे लगता है। और अक्टूबर महीने में लगता है, ध्यान रखिए कब लगता है, अक्टूबर महीने में 10 दिन तक ये मेला चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। छतरपुर में सबको पता है खजुराहो जो कहाँ पे आता है, छतरपुर में आता है। और एक यहाँ पे बहुत फेमस है हत्याकांड जो हुआ था, चरण पादुका। तो चरण पादुका हत्याकांड जो हुआ था 1931 में हुआ था, और इसे एमपी का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी 80 की संख्या चल रही है लाइव, इसको हम लोग को 100 सभी लोग मिलकर करना है, सभी लोग शेयर करें क्लास को जिससे संख्या और बढ़ जाए यहाँ पे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणगौर लोक नृत्य जो है प्रचलित है कहाँ पे है? मालवा क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में? बस इसके बाद आपके अगले जीके के चालू होंगे। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, 10 10 15 15 20 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रखे हुए हैं। तो शांति बना के रखिएगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। जय भीम प्रदीप गौतम जी, ठीक है। तो गणगौर उत्सव जो होता है, ध्यान रखिएगा, गणगौर जो लोक नृत्य मनाया जाता है ये निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे होता है ये? निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो केवल गणगौर नहीं, इसके अलावा और क्या क्या प्रचलित है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आता है काठी, काठी नृत्य यहीं का है। इसके अलावा मांडलिया, मांडलिया डंडा नृत्य, ठीक है, और गणगौर यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फेफारिया भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो फेफारिया नृत्य भी कहाँ पे प्रचलित है ये आपका प्रचलित है निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। हाँ, अब यहाँ पे सामान्य जीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, है ना, यहाँ पे सामान्य जीके अब ये स्टार्ट होगा। तो बताएं जल्दी से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को या फिरोज शाह तुगलक को? तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आपने किया हुआ है सतीश जी, क्या बात है। अगले हफ्ते में गणगौर पर्व आने वाला है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखिए, गुलामों का जो गुलाम कहा जाता है, किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। गुलाम वंश की स्थापना जो किया था किसने किया था? ये किया था स्थापना ऐबक ने, लेकिन गुलामों का गुलाम जो कहते हैं इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक था ये गुलाम किसका था? महमूद गोरी का। मोहम्मद गोरी का क्या था? ये गुलाम था। और इसका गुलाम जो हुआ, ऐबक का गुलाम कौन हुआ था आपका? इल्तुतमिश हुआ था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो इक्ता प्रथा जो प्रारंभ किया था ये किया था यहाँ पे इल्तुतमिश ने, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, यही सब है पूरा लिखा हुआ है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था? कोलकाता में, बनारस में, सूरत में या नागपुर में? तो बताएं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, संख्या अभी कम लग रही है मुझे, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें तो संख्या और भी बढ़ जाएगी। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार फटाफट जल्दी से। सभी गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 का यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था ये बनारस में हुआ था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था ये भी ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। 21वां ये सम्मेलन था कांग्रेस का, है ना, अधिवेशन था, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन इसके अंतर्गत किया गया था, ठीक है। चलिए, आज टाइम से आ गए हैं श्रुति जी, चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में नहीं हुआ था, है ना, वो अलग है आपका, 1905 में जो है बनारस अधिवेशन ही हुआ था,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किसे कहा जाता है बताएं, सिसली को, विसुविया को, लिपारी को या स्ट्रामबोली को। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो फटाफट तरीके से बताएं जल्दी से, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहते हैं ये स्ट्रामबोली को कहा जाता है, और ये जो आता है कहाँ पे आता है, इटली के पास आता है। कहाँ पे आता है, इटली देश में आता है, ये उसी के आसपास आता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राम राम सूर्य प्रकाश कुशवाहा जी, कहाँ रह गए थे आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य मेंटल और निम्न मेंटल अशांत जो है कौन सा है, इसमें बताएं, कोनार्ड, रेप्टी, लेहमन या मोहरोनिक। तो पृथ्वी की संरचना से क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ की संरचना से, इंटरनल संरचना से पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताएं जल्दी से, ये जो आता है किसमें आता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं। अच्छा विनय कुमार श्रीवास्तव जी, आपकी पहली क्लास है, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो नेट स्लो है तो उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। रेप्टी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, मध्य मेंटल और निम्न मेंटल की भी जो संरचना है ये कहलाती है रेप्टी। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या असम में। तो बताएं जल्दी से, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे आएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लिपुलेख दर्रा जो आता है ये कहाँ पे आएगा, ये आता है उत्तराखंड में आता है। इसके अलावा माना दर्रा और नीति दर्रा, तो ये दर्रे भी कहाँ पे आते हैं, ये दोनों दर्रे आ जाएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्लास को आज आप लोग स्टेटस में नहीं लगाएं क्या, आज सभी लोग प्लीज स्टेटस में लगा लीजिए, 100+ में आप लोग सहयोग करिए, है ना, क्योंकि संख्या बढ़ानी आपकी जिम्मेदारी है। 100+ हो जाएंगे तो मैं किसी की नहीं बोलूंगा, फिर क्या होगा, अपने आप संख्या बढ़ती चलेगी। वो 100 तक में आप लोग मदद करिए सभी लोग, है ना। 80 तक पहुंच गए हैं हम लोग, 80 तक पहुंच गए हैं, इसको पहले 20 और बढ़ाइए, सब लोग मिलकर स्टेटस लगा लेंगे, केवल स्टेटस लगाना है, संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे आता है, ये उत्तराखंड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, एससीओ का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था। एससीओ का शिखर सम्मेलन, थैंक यू सो मच मंजू अमित, तो कहाँ पे किया गया था, रूस में, भारत में, उज्बेकिस्तान में, चीन में। तो एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर, थैंक यू सुनील, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एक ही बार लाइक करना है, दो बार लाइक नहीं करना, नहीं डिसलाइक हो जाएगा। तो ये जो किया गया था आपका उज्बेकिस्तान में किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था आयोजित, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान में किया गया था, करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, कहाँ पे किया गया था आपका, ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था, ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान नहीं किया गया था ये बताना है आपको। अश्विनी कुंजी को, धर्मवीर सिंह को, सुजीत मान को या नीर बहादुर को। तो किसको ये प्रदान नहीं किया गया था बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो मेन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेकिन एक नाम यहाँ पे जरूर पूछा जाता है, ये वाला जो मिला था शरद कमल को मिला था मेन, जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। और किस खेल से संबंधित है ये, तो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना है ना, ये एग्जाम में आ सकता है आपका ये वाला भी। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, 89 यहाँ पे संख्या हो चुकी है ना, 10 और सहयोग करिए सभी लोग मिलके, फिर यहाँ पे 100 के बाद अपने आप संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद नरवड़े, मनोज पांडे, अनिल चौहान या आर हरि कुमार? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड इवनिंग जेम्स बॉन्ड जी, लेट हो गए, बोला था लेट नहीं होना है आज। तो नए सीडीएस जो बने हैं कौन बने हैं, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे नए सीडीएस जो बने हैं ये अनिल चौहान जी बने हैं, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पुराने जो सीडीएस थे बिपिन रावत, बिपिन रावत जी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना? और उसके बाद जो बने हैं कौन बने हैं, ये अनिल चौहान जी बने हैं। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन इसमें है, किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, बताएं? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 या आर्टिकल 42? तो किसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? हाँ लाइक सभी लोग कर दीजिए क्लास को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का गठन की बात जो करता है अनुच्छेद 40 करता है। और ये ध्यान रखिएगा, पंचायत से संबंधित या स्थानीय शासन संबंधित एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती जो है केस किस वर्ष आया था, 1973 में, 1980 में, 1967 में या 1992 में? तो बताएं जल्दी से, केशवानंद भारती जो केस है ये किस वर्ष आया था इसको बताना है फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में आया था, और इसी के अंतर्गत जो आया था आपका आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, ये मूल संरचना का जो सिद्धांत है, ये जो दिया गया था आपका केशवानंद भारती केस में ही दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1973 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, 14, 18, 20 या 22? तो यहाँ पे संविधान के यहाँ 8वीं जो यहाँ पे सूची है, अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं के शामिल किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में जो है 22 यहाँ पे शामिल किया गया है भाषाओं को। मूल रूप से जो भाषाएं शामिल थी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ 91+ चल रहा है, आप लोग को सभी को मिला के 10 और सहयोग करिए, 100 करिए आप लोग, सब लोग मिलके 100 के बाद संख्या फिर अपने आप आ जाएगी, फिर नहीं बोलूंगा मैं, है ना? स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए तो संख्या अपने आप आ जाएगी। तो जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हिंदी पे आ जाते हैं, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टू ट जो है आपका, ट किस वर्ग का या किस व्यंजन का उदाहरण है? तालव्य में आएगा, मूर्धन्य में आएगा, दंत में आएगा या ओष्ठ में आएगा? तो ट किस व्यंजन का उदाहरण है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग नरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो ट किस व्यंजन का उदाहरण है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा आपका? बहुत शानदार, वेरी गुड। ट जो है किस व्यंजन का उदाहरण है, तो ट जो आता है आपका ये किस में आएगा? पहले तो आता है कंठ, पहले क्या आएगा आपका, कंठ आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा आपका, तालव्य आता है। और तीसरा क्या आता है आपका, मूर्धन्य आ जाएगा। और फिर क्या आता है आपका, दंत आएगा। और फिर क्या आता है आपका, ओष्ठ आएगा। अब तो आप लोग बता लोगे, अब तो सभी लोग बता लोगे, है ना? तो ट किस में आएगा आप बताओ, का वर्ग है तालव्य, ठीक है, फिर चा वर्ग है तालव्य आपका, कंठ का आएगा, मूर्धन्य में क्या आएगा आपका, ट आएगा, फिर क्या है, ताथा दादा ये ता में आएगा, और ये आएगा ओष्ठ में। यानी ये जो ट वर्ग आ रहा है किस में आ रहा है, ट आएगा आपका मूर्धन्य में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भूपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भूपरि का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं? भू प्लस परि, भू प्लस उपरि, भू प्लस उपरि। तो बताएं जल्दी से, यहाँ पे भूपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, सही आंसर होगा आपका, ये जो होगा आपका भा प्लस ऊपरी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी बी बोल रहा हूं मैं, सी होगा यहाँ पे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा, उ प्लस उ मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, तो फटाफट बताएं जल्दी से, रेखांकित शब्द में समास कौन सा आएगा आपका। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसमें तो ये यही नहीं लिखा है कि समास कौन सा है आपका। ठीक है, तो रुक जाइएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इसमें। ठीक है, ये देश प्रेम में बताइए, देश प्रेम में बताइए कौन सा समास आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, हाँ, देश प्रेम में कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। हाँ, उसको मैंने करेक्ट करा दिया था, इसका बताएं फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश प्रेम में कौन सा समास आएगा, तो देश प्रेम मतलब देश से प्रेम, और यहाँ पे जो आता है तत्पुरुष समास आएगा, कौन सा समास आएगा यहाँ पे, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न पंक्तियां किसका उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो ये जो है किसका है बताएं, विभावना अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, या फिर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, इसमें कौन सा अलंकार आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं कौन सा अलंकार आएगा इसमें आपका, सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। ये तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, सबको पता है यहाँ पे अतिशयोक्ति की बात की जा रही है, जो सोचना ही यहाँ पे केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा, फेमस है अतिशयोक्ति अलंकार, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग जो है, प्रति प्रत्युय प्रति, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार में सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं सही आंसर क्या होगा आपका, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, प्रत्युपकार में जो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रति प्रत्यु या प्रति, तो प्रतिधन उपकार यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रति प्रत्यु या प्रति, तो बिल्कुल सही है, आप लोग इसमें जो सही आंसर क्या कर रहे हैं, प्रति इसका सही आंसर कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय से नहीं बना है, पुत्रवत, खंडित, संबंधित या फलित, तो निम्न में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय से नहीं बना है, इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा इत प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, इत प्रत्यय से कौन सा नहीं बना हुआ है, पुत्रवत, खंडित, संबंधित या फलित, बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसमें, फलित इसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है आप लोग का आंसर, क्योंकि फल तो एक है, इत प्रत्यय इसमें है, पुत्रवत में कहीं भी इत प्रत्यय नहीं दिख रहा है आपका, है ना, तो इसमें जो है आपका इत प्रत्यय नहीं है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्वाल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, ग्वाल शब्द का तत्सम रूप क्या है, ग्वाल, ग्वाला, गोपाल या फिर गोभद्र, तो ग्वाल शब्द का तत्सम रूप क्या आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वाल शब्द का यहाँ पे तत्सम रूप क्या आएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्वाल शब्द का जो तत्सम रूप आता है, बिल्कुल सही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्वाल का तत्सम रूप क्या आएगा, तो ग्वाल का तत्सम रूप आ जाएगा आपका गोपाल, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो एक बार, क्लास को शेयर नहीं किया क्या आप लोग, अभी
अभी संख्या 80 ही चल रही है यहाँ पे, है ना। टारगेट हम लोग का कितना है, 100 का है। सभी लोग स्टेटस में लगा लें क्लास को, जिससे संख्या ज्यादा से ज्यादा मिले क्लास की। छद्म का विलोम क्या होगा बताएं, छद्म का विलोम क्या है, व्यक्त, अछूत, गृहीत या स्वात्युत। तो यहाँ पे छद्म का विलोम क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, छद्म का विलोम क्या होगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, छद्म का बिल्कुल सही है। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका आपका, व्यक्त, अछूत, गृहीत या सात्विक, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सी आंसर आप लोग सभी लोग कर रहे हैं इसमें, कुछ लोग इसको खंडित ऑप्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। ए ऑप्शन जो कर रहे हैं इसमें, छद्म का क्या होगा, व्यक्त होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जगहित पे प्राण निछावर है, पर कर पाता जिसका तन है, किसी लोकहित में लग जाता है, ये पंक्तियां जो है किसका उदाहरण है, दोहा का है, रोला के हैं, गीतिका के हैं या फिर हरि गीतिका के हैं, तो किसके अंतर्गत ये आता है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड सतीश, बहुत अच्छे। तो बताएं जल्दी से इसमें कौन सा, यहाँ पे किसकी पंक्तियां उदाहरण है बताएं फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये जो पंक्तियां हैं किसका उदाहरण है, ये जो पंक्तियां उदाहरण है ध्यान रखिएगा, ये रोला छंद के अंतर्गत आता है। रोला में ये सभी आपको, ये चारों तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, दोहा, रोला, गीतिका, हर गीतिका और एक और पढ़ सकते हैं चौपाई, इनसे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, और अगर आते हैं तो 90% चांस है कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप लोग मात्रा वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है बताएं, घनिष्ठ, कौतूहल, प्रत्युत या अंताक्षरी। तो बताएं जल्दी से यहाँ पे शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बताएं सभी लोग फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी आएगी। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे एक ही मुझे दिख रहा है, वो कौन सा होगा, यहाँ पे प्रत्युत, प्रत्युत जो है आपका इसमें ये सही है, बाकी सब इसमें गलत लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीत और क्रांति का अर्थ क्या होता है बताएं, खरीदा हुआ और उलट फेर, खजाना और कटार, निपुण और किया हुआ या असमर्थ और अनुरक्त। तो क्रीत और क्रांति का अर्थ क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा फटाफट बताएं जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्रीत और क्रांति का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्रीत और क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रीत मतलब खरीदा हुआ और क्रांति मतलब उलट फेर होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्न में से कौन सा शब्द झरना का पर्यायवाची नहीं है, तो झरना का पर्यायवाची क्या नहीं आएगा, उस, निर्झर, स्रोत या लहरी। तो कौन सा है जो आपका झरना का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, झरना का पर्यायवाची कौन सा नहीं आएगा फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सभी इसमें इसके पर्यायवाची हैं, केवल एक इसमें नहीं है, और एक जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, लहरी, लहरी इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी इसी के पर्यायवाची आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी इसका, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द चुने क्या होगा, नेस्टिक, निष्प्रहा, तुरंग या स्मार्ट। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट तरीके से बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, सभी लोग बताएं फटाफट जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा वर्ड होगा इसमें आपका। ठीक है, तो जिसकी कोई इच्छा ना हो आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 33 का सही आंसर क्या होगा फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 33 का, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, क्या होगा आपका, निष्प्रहा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय से गंगा निकलती है, अब यहाँ पे क्या वो आ रहा है,
हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि से अलग होने का भाव आ रहा है, से आ रहा है और अलग होने का भाव आ रहा है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। सही आंसर, करेक्ट आंसर 34 का क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे से जो बात की जा रही है, किससे बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर होगा ये जो बात किया जा रहा है आपका। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा अपादान। अपादान जहां भी आपका अलग होने का भाव आएगा और यहाँ पे से कारक लगा होगा, वहां पे क्या आएगा, हमेशा अपादान कारक आएगा। डी ऑप्शन इसका वेरी गुड, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें बताएं। पिताजी ने मुझे कहा वह कमीज पहनकर सो गया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। शुद्ध वाक्य कौन सा है, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। ठीक है, वह कमीज पहनकर सो गया, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा बी। अलगाव के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है सतीश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 92 की संख्या यहाँ पे क्लास में हो चुकी है, अभी 100 प्लस करना है हम लोग को, है ना, अभी 92 चल रहा है, वेरी बहुत अच्छी संख्या है, यहाँ पे कम नहीं है इतना भी। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी के बाद अभी आएगा फिर इंग्लिश आएगा, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है। एक घूंट निम्न में से किसकी रचना है बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, या धर्मवीर भारती की। तो एक घूंट किसकी रचना है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। एक घूंट किसकी रचना है, सभी लोग बताएं। तो एक घूंट जो रचना है ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, और फेमस रचना इनकी कौन सी है, कामायनी। कामायनी इनकी काफी फेमस रचना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जन्म और क्या असंभावी है वाक्य को पूरा करें, तो मृत्यु, उत्साह, क्रोध या सुख। तो कौन सा असंभावी है, मतलब कि जन्म और क्या आएगा इसके साथ, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, जन्म के साथ क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म हुआ है ठीक है उसकी मृत्यु भी होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पे सरसों उगाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं, झूठे सपने देखना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के रखना, असंभव कार्य करने की कोशिश, या प्रतिज्ञा या संकल्प करना। तो हथेली पे सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। हथेली पे सरसों उगाने का मतलब होता है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। अब हथेली पे सरसों तो उग ही नहीं सकती है ना, असंभव कार्य है ये, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चयन में संधि कौन सी है, चयन में कौन संधि होती है, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि या अयाद संधि, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से चयन में कौन सी संधि हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चयन में कौन सी संधि होगी, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, चयन में जो संधि होती है कौन सी संधि हो जाएगी आपका, यहाँ पे कौन संधि बोल रहे हो, सी संधि बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी तो यण संधि तो कहीं से नहीं आनी है, आयाद ही आ जाएगा, चे प्लस अन होगा इसमें आपका, चे प्लस अन होगा, ए प्लस आ रहा है इसमें आपका, तो चयन होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देशभक्ति का समास विग्रह क्या है, देश और भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति करना, या देश अथवा भक्ति। तो देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, फटाफट तरीके से बताएं, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका, देशभक्ति का समास विग्रह होगा, देश के लिए भक्ति, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे 40 नंबर तक आपका हो चुका है आपका, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे संख्या आप लोग करिए, 100 भी नहीं हो रहा है आज तो संख्या, कल हम लोग 100 पहुंच गए थे। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुम परीक्षा में सफल रहो, ये कैसा वाक्य है बताएं, विधानवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, या संकेतवाचक है। तुम परीक्षा में सफल रहो, यह कैसा वाक्य होगा, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो
तुम परीक्षा के लिए सफल हो, ये कैसा वाक्य आएगा? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो परीक्षा के लिए सफल रहो, इसमें जो वाक्य आता है आपका इच्छावाचक है ना, क्योंकि ऐसी इच्छा की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब बंधन को सोच तज गुरुकुल को ने, हंस सील सुत किम कियो अनथ लोक में गे। इसमें रस कौन सा आएगा? करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वात्सल रस, इसमें कौन सा रस आएगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये बात की जा रही है जब यहाँ पे शायद कृष्ण जी जो है आपका गुरुकुल को छोड़ते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर आएगा, यहाँ पे जो बात की जा रही है करुण रस की, बात की जा रही है, शोक प्रकट किया जा रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए, क्योंकि शोक प्रकट किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंदर का पर्यायवाची क्या होगा? वीच, सहचर, मरकट या लंबग्रीव। तो बंदर का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। तो बंदर मतलब क्या है? मरकट, मरकट, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घूंघट का तत्सम रूप क्या होगा बताएं? दुपट, गुंठन, घूंघटा या घुटेसु। तो घूंघट का तत्सम रूप क्या आएगा बताएं जल्दी से। सही आंसर बताएं जल्दी से, घूंघट का तत्सम रूप क्या आएगा? तो घूंघट जो है इसका तत्सम ओरिजिनल जो रूप है आपका गुंठन, गुंठन को क्या कहा जाता है? घूंघट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रणीत का अर्थ क्या है? प्रणीत का अर्थ क्या होगा बताएं जल्दी से? रचित, पर्याप्त, संसार या मुकुट। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर। प्रणीत का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रणीत का। तो प्रणीत का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, रचित। प्रणीत का अर्थ क्या होता है? रचित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ से आपका आता है इंग्लिश, यहाँ से आपको इंग्लिश अब मिलेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। वी ऑल कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है? इन, इट, ऑन या विथ। यहाँ पे बताएं जल्दी से, आप यहाँ पे अगर किसी को बधाई दे रहे हैं तो किस, यहाँ पे क्या आएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ये फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, वी ऑल कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस आएगा, है ना, आपकी सफलता की बधाई देते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जो लोग भी सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कितने लोग स्टेटस लगाए हैं कमेंट करें आज, मैं देखता हूँ अभी कितने लोग स्टेटस लगाए हुए हैं और कितने लोग कंजूसी कर रहे हैं। 12-13 लोग ऐसे हैं, मैं कभी उनको नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलूंगा, तब भी वो हमेशा स्टेटस लगाएंगे, लेकिन बाकी लोग भी लगा रहे हैं कि नहीं ये देखते हैं आज। तो कितने लोग लगाए स्टेटस बताएं जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज वेरी वीक, फिर यहाँ पे डॉट है इंग्लिश, बट गुड, यहाँ पे फिर बताना है मैथमेटिक्स। तो बताएं जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा, एट आएगा, इन आएगा या फिर इन इट आएगा? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ये फटाफट बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। 47th का सही आंसर क्या होगा? कृपया इंग्लिश को थोड़ा डिटेल में समझाइए। इंग्लिश को तो यहाँ पे मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में नहीं समझा पाऊंगा आपको, मैं फैकल्टी है इसलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी ही वीक है अभी, है ना, तो प्रैक्टिस के लिए मैं करा दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश कहीं दूसरे से पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मिथुन। अच्छा, प्रिया ने भी किया है, सुनील, मंजू, आप लोगों ने शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग तो डेली शेयर करते हैं, है ना, आप शेक भी लगाए हैं स्टेटस में। हाँ, 5-6 लोग जो है डेली लगाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे पहले में इन आएगा, ठीक है, फिर दूसरे में क्या आएगा आपका? एट आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश बट गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड अनुपमा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 5 लोगों ने स्टेटस लगाया है, जो कमेंट आया है आप लोग का, बाकी 80-85 लोग लाइव हैं, तो 80 लोग बिल्कुल भी कंजूसी कर गए यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। ही हैज नो कंट्रोल ही सर्वेंट। तो यहाँ पे ओवर, ऑन, ऑफ या फ्रॉम। तो ही हैज नो कंट्रोल हिज सर्वेंट। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा बताएं जल्दी से। हाँ, सतीश ने भी लगाया हुआ है, थैंक यू सो मच सतीश, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, ही हैज नो कंट्रोल, ठीक है, ओवर हिज सर्वेंट,
सर्वेंट है ना, सभी जो इनके सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं या फिर जो इनके हैं, तो उनपे क्या इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ है, अब बढ़ रही संख्या है ना, 87 फिर से पहुंच गई है, बढ़ेगी धीरे धीरे करके। देर इज समथिंग वंडरफुल, फिर रिक्त स्थान, फिर हिम, यहाँ पे क्या आएगा बताएं, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा, फॉर या इनसाइड। तो देर इज समथिंग वंडरफुल, इसमें बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो 49 का जो सही आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबाउट। देर इज समथिंग वंडर, कुछ अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, उसके बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या देखना है, वर्ब कौन सा आएगा इसमें आपका। हाउ कैन सी, रिक्त स्थान, ब्लैंक है आपका, फिर टू अपोज हर फादर, तो यहाँ पे नीड, डेयर, कुड या यूज्ड है। तो ज्यादातर इसमें क्या होता है आपका, ये धमकी वाले शब्द में बोल रहे हैं। अच्छा, अब से एक आपने भी कर दिया है, थैंक यू सो मच। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब इस तरह की बात की जा रही है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी फिर ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक्स है, फिर लव अवर कंट्री, तो हमें क्या करना चाहिए, हम लव कर सकते हैं कंट्री से, या माइट होगा, शुड होगा, या नीड होगा, तो क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। तो यहाँ पे सबको पता है, वी शुड लव अवर कंट्री है ना, यानी हम लोग को यहाँ पे अपने देश से प्रेम करना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाटर, वाटर जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, फ्रीजेस होगा, फ्रीज्ड होगा, या फ्रीज होगा। तो 0 डिग्री पे क्या होता है बताएं जल्दी से, वाटर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री पे क्या होता है वाटर, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको, ये 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे वाटर फ्रीजेस होगा 8 0 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है इसमें कहाँ पे द आएगा या एन आएगा। तो दिस बुक कंटेन्स मोरल स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा होगा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएं से, इससे सिंपल आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, फटाफट बताएं से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। दिस बुक कंटेन मॉरल स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, तो महाभारत क्या है आपका, पौराणिक ग्रंथ है, यहाँ पे तो द आएगा, ये फिक्स है, यानी यहाँ पे क्या रहे आपका द, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और ए बच रहा है। तो सबको पता है मॉरल में क्या हो रहा है आपका, कंसोनेंट यूज हो रहा है, तो कंसोनेंट यूज होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है इंग्लिश का, ब्लैंक्स है, फिर इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी सुपर पावर, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 54 का सही आंसर क्या होगा आपका। कंट्री की बात कर रही है, कंट्री मैंने पहले कल ही बताया था, जैसे कल यूएसए का मैंने ऑप्शन लिया था, आज क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पे आपको सबको पता है कंट्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोचना है नहीं है इसमें, द आएगा है ना, कंट्री है, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका, द आएगा, ठीक है। फिर बताएं आगे क्या होगा आपका इसमें, फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी, है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, कहीं भी अगर सेंचुरी की बात होती है, तो ये भी क्या आएगा आपका, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, टू बी सुपर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ सुपर पावर में दा नहीं आएगा, हाँ तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अब क्वेश्चन आ गए हैं साइंस के, क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, अब हम लोग साइंस क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण नहीं है, तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज, तो कौन सा है जो आपका मोनोसैकेराइड का उदाहरण नहीं है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच एस पाटिल जी, हाँ आप तो आप भी डेली कर देते हैं क्लास को शेयर, ये तो मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड का जो उदाहरण नहीं है, कौन से नहीं है ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड का उदाहरण नहीं है, मोनोसैकेराइड का मतलब जो है जो कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अवयव है ना, ग्लूकोज वगैरह,
जो नहीं है इसमें सुक्रोज नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ए, कौन संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। बताएं जल्दी से, 10:30 बजे, 10:30 बजे यहाँ पे जो चलता है आपका मॉक टेस्ट चलता है, तो सभी लोग 10:30 बजे अपने टाइम पे आ जाएगा ने क्लास में, फटाफट, है ना, टाइम से। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में कौन सा जाना जाएगा? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ए। तो संक्रमण रोधी यहाँ पे एक ही विटामिन है, वो कौन सा है आपका? विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हाँ, गाजर वगैरह में इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक जो सेल होती है इनमें से कौन सा ऑर्गन या कौन सा अंग नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी गाय, 70S राइबोसोम या केंद्रक झिल्ली, तो कौन सा है जो यूकेरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूकेरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम में जो या यूकेरियोटिक में ज्यादातर जो पाया जाता है 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो पाया जाता है आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, बाकी सभी ये ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, अंडाणु, शुक्राणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी यहाँ पे कोशिका की बात की जा रही है, ये कौन सी होगी? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका जो है आपका तंत्रिका कोशिका कहलाती है या न्यूरॉन कहलाती है, तो जो भी ऑप्शन में है आपको कर देना है, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है इसमें, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल या तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी या फिर 14 जोड़ी। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कितने जोड़ी यहाँ पे पाए जाते हैं इसमें? हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे जो पाया जाएगा 31 जोड़ी पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडीज जो मच्छर है ये किस रोग के वाहक होते हैं बताएं? मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का या पीलिया का? तो एडीज जो मच्छर है किसका वाहक है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, एडीज मच्छर किसका वाहक है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एडीज मच्छर जो वाहक हो जाता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डेंगू का वाहक होता है। एडीज मच्छर किसका वाहक है? डेंगू का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोनेरा संघ का उदाहरण कौन सा नहीं है? माइकोप्लाज्मा, नीले हरे के शैवाल, अमीबा या साइनोबैक्टीरिया, तो कौन सा मोनेरा संघ में नहीं आता है ये आप बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मोनेरा संघ में कौन सा नहीं आएगा? तो ध्यान रखिएगा, अमीबा, अमीबा जो आएगा आपका ये मोनेरा संघ में नहीं आता है, बाकी सभी इसमें आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किस रंग में सर्वाधिक होता है? लाल रंग में, हरे रंग में, बैंगनी रंग में या ऑरेंज में? तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस रंग में, किस कलर में सर्वाधिक होता है बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, ये हरे रंग में ज्यादा होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी बताएं? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, डिंब ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जो नलिका युक्त होती है ना, तो कौन सा है बताएं जल्दी से इसमें? दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, डिंब ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिंब ग्रंथि जो है आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी जो है, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम जो है आपका, ये किसका मिश्रण है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या होगा आपका? एलपीजी किसका मिश्रण है फटाफट बताएं जल्दी से। थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो स्टेटस जरूर लगाइए आप लोग इसका। तो एलपीजी जो है मिश्रण किसका है फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर 64 का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका एलपीजी का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसमें आपका, मिश्रण होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलें बढ़ें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इसमें।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मैग्नीशियम मौजूद है, किसमें? एस्कार्बिक अम्ल में, विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में, या हीमोग्लोबिन में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम जो है किसमें यहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है सोनालिका, वेरी गुड। तो बताएं जल्दी से यहाँ पे करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम जो पाया जाएगा किसमें पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो बिल्कुल सही है, 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल आर्द्रता को मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बताएं जल्दी से यहाँ पे 65 का करेक्ट आंसर, 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये हाइग्रो, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग किसके आंसर कर रहे हैं इसमें, आर्द्रता को मापने के लिए जो किया जाएगा आपका, ठीक है, हाइग्रोमीटर, वेरोमीटर नहीं है, वायुदाब की बात नहीं कर रहा है ये, वायुमंडलीय आर्द्रता की बात कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा हाइग्रोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से होती हैं? श्यानता के कारण, सतत वाष्पीकरण के कारण, शुद्ध घर्षण के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण? तो वर्षा की बूंदें जो हैं आपकी गोलाकार किस वजह से होती हैं ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरा पार जो नाभिकीय संयंत्र है ये कहाँ पे आता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो काकरा पार जो परियोजना नाभिकीय संयंत्र है ये गुजरात में आएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेवार निम्न में से किसका एक है? तो सिनेवार जो होता है पारा का, लेड का, लोहा का या तांबे का? तो सिनेवार जो होता है ध्यान रखिएगा पारे का एस है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कौन सा? शून्य, अनंत, अति लघु या फिर अति बृहद? तो आदर्श जो है आपका इसमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये होता है आपका अनंत होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दूर संचार के लिए कौन सी तरंग उपयुक्त होती है? दूर संचार के लिए क्या होगा आपका, परावैगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या सूक्ष्म तरंग? तो दूर संचार के लिए जो होता है आपका कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर किसी भी लिक्विड में आप क्या करते हैं यहाँ पे इनप्योर, यहाँ पे कोई भी मटेरियल मिलाते हैं, द्रव मिलाते हैं, तो क्या होगा बताएं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है क्वथनांक हमेशा बढ़ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? दाब अगर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना जब भी आप दाब बढ़ाते हैं ध्वनि में तो इसकी चाल क्या होती है, इसके फिर भी अपरिवर्तित रहेगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोग को, पार्सेक क्या मापने की इकाई है? तो पार्सेक जो है दूरी की सर्वाधिक जो आपका इकाई जो है आपका कौन सा है, पार्सेक होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सौर भट्टियों में, तो सौर भट्टियों में जो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हमेशा, मैंने कल ही बताया था, प्रकाश का क्या होता है यहाँ पे, प्रकाश का क्या होता है, संकेंद्रण जो होगा कहाँ पे होगा आपका, अवतल दर्पण में होगा, कॉनकेव लेंस में होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। कल ही मैंने आपको बता दिया था अच्छे से इसका एग्जाम्पल देके। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश किरण के अपवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है, क्या नहीं होता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य? तो प्रकाश किरण के अपवर्तन से क्या परिवर्तित नहीं होगा ये बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तो उसकी आवृत्ति है ना, उसका जो है आपका फ्रिक्वेंसी जो है कभी भी इसका नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश अदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभवांतर? तो
तो कौन सा है जो सदिश राशि है ये आपको बताना है, फटाफट तरीके से बताएं जल्दी से, सदिश राशि कौन सा आएगा। तो सदिश राशि क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपका इसमें सदिश राशि में आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। घरों में प्रयोग किए जाने वाले बल्ब का व ट्यूबलाइट पंखे परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाएंगे, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बल्ब और ट्यूबलाइट जो है किस परिपथ में जोड़े जाते हैं इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सबको पता है, नहीं भी पता होगा तो ध्यान रखिएगा, समानांतर क्रम में होगा, पैरेलल में जोड़े जाते हैं हमेशा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मानव आंख की रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये कैसा बनता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक व उल्टा, या आभासी या उल्टा। तो रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, ये हमेशा बनेगा ओरिजिनल और क्या होता है आपका रिवर्स, यानी उल्टा रहेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें, अब आते हैं यहाँ पे प्रबंधन पे आ जाएंगे अब, है ना। अब प्रबंधन के क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपका जो क्लास का अभी बचा हुआ है यहाँ पे, अच्छा 1 घंटे हो गए हैं अभी, 20 मिनट और क्लास लगेगी, 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे उस वातावरण को बनाए रखने का कार्य है, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें लोग लक्ष्यों को कुशलता और प्रभावशीलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसकी परिभाषा दी गई है ये आपको बताना है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किसकी परिभाषा है ये। तो ये जो परिभाषा है प्रबंध की, यानी मैनेजमेंट की परिभाषा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थियो हेमन ने प्रबंध के किस अवधारणा को व्यक्त किया है, संज्ञा के रूप में प्रबंध, प्रक्रिया के रूप में प्रबंध, विधा के रूप में प्रबंध, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, थियो हेमन ने सभी प्रकार का ये अवधारणा दिया हुआ था, यानी डी ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि व्यक्तियों का निर्देशन, पूंजी का निर्देशन, वस्तुओं का निर्देशन, या व्यापार का निर्देशन, क्या आएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। 81 का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 82 का। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जो लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं प्लीज क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हेनरी फ्योल ने मुख्य रूप से प्रबंध के कितने कार्यों का उल्लेख किया हुआ है, 3, 4, 5 या 7, कितनी बार तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोग को, है ना, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं, 5 कार्य बताए हुए हैं, वहीं सिद्धांत कितने बताए हैं, 14 सिद्धांत बताए हुए हैं, ठीक है। और संगठन के स्तर कितने बताए हैं, तो संगठन के स्तर 6 बताए हैं। तीनों चीजें आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार आ सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थैंक यू अमित। प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन के भौतिक संसाधनों में सम्मिलित है, भौतिक संसाधन की बात कर रहा है ना, भौतिक मतलब प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है इसमें, तो पूंजी, श्रम, भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें है? ऐसा आपको लग रहा है जो प्राकृतिक दिख रहा है आपको, नेचुरल क्या दिख रहा है बताएं। तो सिंपल सा है यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल भी है, और आपका इसमें भौतिक संसाधन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, भूमि भी है इसमें, फिर श्रम, पूंजी, तो करेक्ट जो आपका आप भौतिक मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं इस अंतराल के बीच पुल का कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है पुल के इसमें, नियोजन, संगठन, समन्वय, या निर्णयन। हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ये पुल का काम कौन करेगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो पुल का काम हमेशा जो करता है कौन करता है आपका, नियोजन यानी प्लानिंग करता है ना, क्योंकि इसी के आधार पे क्या है, लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नियोजन क्या है बताएं, निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताएं जरिए से, करेक्ट आंसर क्या होगा, नियोजन कैसी प्रक्रिया है, तो नियोजन ध्यान रखिएगा दोनों प्रक्रिया आ जाएंगे इसमें, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो बनाई गई विस्तृत कार्य योजना व उसका कार्यान्वयन क्या कहलाएगा आपका, प्रमाण, कार्यक्रम, परियोजना, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति है तो बनाएंगे विस्तृत कार्य योजना व उसका कार्यान्वयन कहलाता है आपका, परियोजना कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है निरूपण, या फिर आपका पहचान, क्रियान्वयन, या चयन, तो क्या कहलाता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही है, 87 का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियान्वयन कहलाएगा,
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रबंधकीय विकास कठिन होता है, कार्यात्मक संगठन का, प्रभागीय संगठन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रबंधकीय विकास कठिन होता है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। 10 मिनट की क्लास और है, फिर क्लास को खत्म करेंगे हम लोग इसमें, तो बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों का होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसका प्रबंधकीय विकास कठिन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है, विकेंद्रीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है, अधीनस्थों में पहल, भावना के विकास विकास के लिए, भविष्य के लिए, प्रबंधन की प्रतिभा के विकास में सहायक, शीर्ष प्रबंध को राहत, या उपरोक्त सभी। तो विकेंद्रीकरण किसके लिए इंपॉर्टेंट है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, सत्ता का क्या होता है आपका सभी लोगों में या अधीनस्थों में क्या है उसको बांटना उनकी योग्यता के अनुसार, तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संगठन संरचना के प्रकार कौन कौन से है बताएं, मैट्रिक संगठन, समिति संगठन, क्रियात्मक संरचना, या उपरोक्त सभी। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, हाल ही में एक दो दिन पहले पढ़ाया हूँ मैं आपको, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्लास को मिस मत करो आप लोग, कोई छोड़ा मत करो क्लास को, लेकिन कुछ लोग जो है मानते नहीं बात को। अनौपचारिक संगठन की विशेषता में शामिल नहीं है, अनौपचारिक संगठन में क्या शामिल नहीं है विशेषता बताएं, इनका आधार अमानवीय होता है, यह अव्यक्तिगत होते हैं, आदेश में एकता होती है, ये संबंधों का निर्माण नियोजित होता है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनका आधार अमानवीय होता है, ये गलत है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बाकी सभी इसमें सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खैर ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है ये वाला, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उपक्रम का वातावरण दूषित होने के कारणों में मुख्य कौन सा है बताएं, शिथिल कर्मचारी, वृद्ध कर्मचारी, अदक्ष कर्मचारी, या उपरोक्त सभी। तो उपक्रम का वातावरण जो गलत हो सकता है किस कारण से हो सकता है ये आपको बताना है, तो सबको पता है ये सभी है ना, अकुशल कर्मचारी रहेंगे तब भी, वृद्ध कर्मचारी रहेंगे तब भी, जो शिथिल यानी ढीले ढाले कर्मचारी रहेंगे इन सबसे क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा। नियुक्तिकरण कार्य का मूल दायित्व कौन से प्रबंधकों के पास रहता है बताएं, क्रियात्मक, समिति, रेखी, या विशेषज्ञ। तो नियुक्तिकरण का कार्य मूल दायित्व जो है कौन से प्रबंधकों के पास रहता है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो हमेशा जो नियुक्तिकरण दिया जाता है ये क्या होता है, रेखी होता है, रेखी का मतलब होता है अधिकार जो होंगे पहले क्या होगा सबसे टॉप लेवल पे जाएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से रहेगा आपका, यानी ये रेखी कहलाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नियुक्तिकरण को प्रभावी बनाने में सहायक कौन सा है, कौन सा सिद्धांत है, कार्य परिभाषक सिद्धांत, प्रबंधकीय मूल्यांकन का सिद्धांत, खुली प्रतियोगिता सिद्धांत, या सभी। तो कौन सा मूल है इसमें बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल सही है, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थान है किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, साक्षात्कार, अभिप्रेरणा, निर्णय, या समन्वय। क्या किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है, किससे यहाँ पे क्या होगा, मनुष्य कार्य करना चाहेगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरण, मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है आपका इच्छित कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन आपका मॉरल भी हो सकता है या आपका शैली के रूप में भी हो सकता है। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, जांच के बाद उनमें योग्य आवेदकों को बुलाया जाता है, ये किसमें आएगा, चयन परीक्षण, उपस्थिति देने, प्रशिक्षण, या कार्यभार ग्रहण करने। आज ही पढ़ाया हूं मैं इसको है ना, तो किसमें आएगा ये, चयन परीक्षा में आएगा, किसमें आएगा आपका, चयन में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले इसमें जो आपके कारक हैं कौन से हैं इसमें बताएं, बोनस, शीर्ष उन्नति के अवसर, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। ये दोनों आ जाएंगे, बोनस भी होगा और शीर्ष उन्नति के अवसर यानी पदोन्नति के अवसर ही आ जाएंगे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेतृत्व अन्य व्यक्तियों में से किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा था बताए, तो नेतृत्व का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कथन किसका है, फ्रैंकलिन जी मोरे का है, किसका है, फ्रैंकलिन जी मोरे का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नेता के गुणों में शामिल होना चाहिए क्या, स्फूर्ति और सहिष्णुता, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक चेतना, या सभी।
तो नेता के गुणों में क्या शामिल है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो नेता के गुणों में शामिल होता है सभी चीजें, इसमें शामिल होती हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से इसमें कौन सा क्रम सही है बताएं, इसमें नियोजन नियंत्रण कौन सा क्रम सही है बताएं जल्दी से। 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे पहले नियोजन आएगा, नियोजन के बाद संगठन होगा, फिर समन्वय होगा, फिर नियंत्रण होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। अब कंप्यूटर क्वेश्चन हो जाए, 10 मिनट और क्लास है फिर खत्म हो जाएगी क्लास। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो सबको पता है सबसे अधिक जो कंप्यूटर है इसमें किस देश के पास है, तो सबसे अधिक कंप्यूटर अमेरिका के पास है इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और सबसे अधिक कंप्यूटर बनाती कौन सी है कंपनी, आईबीएम, ये ध्यान रखिएगा, आईबीएम सबसे अधिक कंप्यूटर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं, अर्नेट जो है आपका क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, इमरजेंसी रिसर्च नेटवर्क है, इकोनॉमिक रिसर्च रिसोर्स नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नेटवर्क है, बताएं जल्दी इससे क्या होगा आपका। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, ये जो किया गया है हमेशा किसमें किया गया आपका, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा भविष्य में, ये जो होने वाला है बिल्कुल सही है सतीश, ये जो होगा आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो मनुष्य के यहाँ पे मेमोरी से भी ज्यादा स्पीड इसका रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रांसफर होते हैं किस में होती है, मदरबोर्ड, सीमोस चिप में, बस में, या फिर आपका हार्ड डिस्क में, तो ये जो पथ कहलाता है पथ को क्या कहते हैं, बस कहते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या कहलाता है, हमेशा आउटपुट कहलाएगा, जो परिणाम रहेगा क्या कहलाएगा, आउटपुट हमेशा कहलाता है, ये सबको पता है। किसका प्रयोग एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो किसका कहता है, पेन ड्राइव से किसको जोड़ते हो आप, यूएसबी पोर्ट, किसको जोड़ते हो आप, यूएसबी पोर्ट को, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर रिसोर्स की हानि नहीं पहुंचाता है कौन सा, ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स, फायरवॉल, मालवेयर या वॉर, तो कौन सा है कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता, ध्यान रखिएगा ये एक ऐड की तरह रहता है लेकिन ये कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचाता है, फायरवॉल, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से अस्थायी संचयन कौन सा है, अस्थायी जो मेमोरी होती है कौन सी होती है, संचयन यानी मेमोरी, ये जो होता है रैम क्या होता है आपका, क्या होता है, टेम्परामेंट रहता है, अस्थायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बताएं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर आपका कार्ड रीडर, तो कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, हाँ बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे करेक्ट आंसर, आउटपुट का मतलब होता है इसमें, हाँ आउटपुट डिवाइस नहीं, कीबोर्ड, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट मतलब जिससे हम टच नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट, तो कीबोर्ड को तो हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर को भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन दूसरी परिभाषा ये भी देख सकते हैं जो क्या करता है आपका, निर्देश देता नहीं है, निर्देश, हाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्टोर किए जाते हैं, हार्ड डिस्क, रजिस्टर डिस्क, चुंबकीय डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, किसमें ये स्टोर किए जाते हैं, तो हमेशा जो किए जाएंगे हार्ड डिस्क में यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक बाइट कितने बराबर होता है, ये पीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इस तरीके के, लेकिन हमने यहाँ पे भी रख दिए हैं जिससे आपके अगर आए तो बन जाए। तो एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेज मेकर क्या है बताएं, पेज मेकर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है पेज मेकर, सबको पता ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका जैसे करंट अफेयर की आप ज्यादातर जो आप देखते हो गए इसमें एक पेज का जो बना रहता है किसमें रहता है, पेज मेकर का रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्क को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है बताएं, पेज, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं, बग यानी जो अशुद्धियां रहती हैं, गलतियां रहती हैं सॉफ्टवेयर में, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको पैच कहा जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं बताएं, प्रोलॉग, पास्कल, कोबोल या जावा, तो शिक्षा परक भाषा किसे कहते हैं इसको फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शिक्षा परक भाषा कौन सा है, पास्कल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा को संग्रहित करने के लिए विभिन्न स्तरों का जो क्रम है कौन सा कहलाएगा आपका, संग्रह करने के लिए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा,
क्या कहलाएगा, सबसे पहले वीट आता है, फिर क्या होता है करेक्टर होगा, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस आएगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पनेट क्या है? तो अर्पनेट ध्यान रखिएगा विश्व का पहला नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला नेटवर्क जो है आपका अर्पनेट है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क लैन को आपस में जो जोड़ता है वो क्या कहलाएगा, स्विच, ब्रिज, एक गेटवे या रिपीटर। तो अलग अलग गेटवे जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा यह कहलाता है आपका इसमें गेटवे कहलाएगा, एक तरह से क्या कहता है आपका सेतु को यानी पुल का काम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के जनक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबको पता होगा, ये इंटरनेट के जनक कौन है आपके, जेसी लिंकलाइटर। कौन है? जेसी लिंकलाइटर, ये करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब के जो है आपके वो अलग है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा आपका, क्रेकर, हैकर, स्पाईवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहलाता है हैकर, है ना। अगर आप क्या है लीगल तरीके से करोगे तो आपके इथिकल हैकर कहलाओगे, लीगल तरीके से नहीं करोगे तो हैकर कहलाओगे आप, ये वैट हैकर कहलाओगे आप। कंप्यूटर वायरस, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना ले, या ऐसे वाले जो सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करे, दोनों ही वायरस के अंतर्गत आते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है, किसमें होती है बताएंगे इसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन से टोपोलॉजी में, मैथ्स में होती है, ये तो मुझे भी नहीं आता ये वाला, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ लेगा ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आईपी का विस्तृत रूप क्या है बताएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पैकेट, इमरजेंसी प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोवाइडर। आईपी मतलब क्या होता है बताएं जल्दी से, आईपी मतलब हमेशा होता है इंटरनेट पैकेट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फिर खत्म करते हैं, कंप्यूटर किसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है, मेमोरी के बिना नहीं कर सकता है, प्रोग्राम के बिना नहीं कर सकता है, चिप के बिना नहीं कर सकता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा बताएं जल्दी से, तो कोई भी नहीं होगा चलेगा, लेकिन प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का समूह ही है कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ आपको यहीं से थोड़ी देर से मिल जाएगी, गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग अलग बना है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग लाइव रिव्यू भी करेंगे क्लास का, ये पटवारी के एग्जाम का 12:15 बजे, तो आप लोग तैयार रहेगा 12:15 बजे, जिनका पेपर हो जाएगा तो कैसे पेपर आ रहे हैं सब लोग देख लीजिएगा इसको। बहुत बहुत आप लोगों को इसमें शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम के लिए, जिनका भी कल एग्जाम है या आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है, बिल्कुल अब आराम से सो जाइए आप लोग इसमें, है ना, बिल्कुल आपको कोई रात को नहीं पढ़ना है जिनका कल पेपर हो, और शांति से आराम से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, अच्छा पेपर सबका जाएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। हाँ, बहुत फास्ट में इसलिए कराया हूँ क्योंकि अब लास्ट में क्या है बहुत लोग नींद आने लग गई थी, इसलिए आंसर भी कराना जरूरी था, तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।